राजधानी पटना के नौबतपुर थाना की पुलिस ने एक ट्रक अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया है, जिसकी बाजारी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में नौबतपुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नौबतपुर थाना मार्ग के जरिए एक MP नंबर का ट्रक शराब की खेप लेकर पटना जाने वाला है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाई। इसी दौरान पुलिस को देखते ही एक ट्रक ने भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़कर जब ट्रक की जांच की गई तो ट्रक के ऊपर से धान का भूसा लोड था और अंदर शराब की कई कार्टून मिली। जहां गिनती की गई तो कुल 6,675 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। साथ ही मौके से ट्रक के चालक और उप चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि शराब पंजाब से लूट कर पटना में डिलीवरी करने का इरादा शराब माफिया का था, जिसको हम लोगों ने असफल कर दिया। नौबतपुर थाना में आज एक ट्रक शराब बरामद हुई है, 6,669 लीटर। चालक और खलासी गिरफ्तार हुए हैं। प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। उनके बयान के आधार पर जिनका जिनका नाम है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर कितने बजे धराया है ये? 8:30 बजे धराया। रात में? दिन में, आज में।